What's up guys, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला की कैसे हाउ द ब्लडी टाइम स्किप विल बी शोन इन बोरुटो मांगा। तो बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं। थैंक यू आई एंड एनीमे फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपको जानना है कि क्या हुआ था तो मेरे आमाडो वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूरा सीन समझ सकते हैं। जानना है तो चेक इट आउट। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पे। इंट्रो लगा दो यार। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन सा पास्ट है और कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा फ्यूचर है। बोरुटो मांगा के शुरू होते ही पहले चैप्टर के पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो और कावाकी होकागे स्टैचू पर लड़ रहे हैं। उन दोनों का बैटल होने के जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि छोटा बोरुटो, असल में छोटा नहीं, वो 12 साल का है, वो हमें अपना स्टोरी बता रहा है, यानी कि वो अपना स्टोरी नैरेट कर रहा है। इसका मतलब दया, जो हमने फाइट सीन देखा बोरुटो वर्सेस कावाकी ऑन द होकागे स्टैचू, असल में वो ही प्रेजेंट है। और जो हमें बोरुटो 12 साल का दिखाया जा रहा है, जो कि खुद का स्टोरी नैरेट कर रहा है, वो असल में पास्ट लाइफ है जो बोरुटो बता रहा है। तो पास्ट लाइफ हो गया जो हम अभी करंट देख रहे हैं मांगा में या फिर एनिमे में। प्रेजेंट टाइम वो है जो हमने बोरुटो मांगा के फर्स्ट क्लिप यानी कि फर्स्ट सीन में देखा था, और फ्यूचर कोई नहीं जानता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देख लो यार, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोरुटो अपने पास्ट लाइफ को बताते हुए अपने प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। उसकी लाइफ में क्या घटी, किस चीज के वजह से वो यहाँ है, और सबसे बड़ी बात, कावाकी को कार्मा किसने दे दिया। अगर आपको जानना है कि कावाकी को कार्मा कैसे मिल सकता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जो कि कावाकी के ऊपर है कि कावाकी कैसे कार्मा को वापस ले सकता है, इस बात के बारे में, तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। लेट्स मूव इनटू आवर टॉपिक नाउ। हां, तो अपने पास्ट लाइफ को बताते हुए वो अपने प्रेजेंट तक जाएगा। कौन? अरे बोरुटो भाई। और आई एम श्योर की फ्यूचर वाला जो क्लिप्स हैं वो रियल है, कोई हम लोग को उल्लू नहीं बनाया जा रहा है एनिमेटर्स के द्वारा या फिर मांगा राइटर्स के द्वारा। तो अगर ये टाइम स्किप हो जाए तब तो मजा आ जाए। और टाइम स्किप के होने के बाद हमें वही क्लिप दिखाया जाएगा जो हमें मांगा के फर्स्ट एपिसोड के पहले सीन में दिखाया गया था, जिसमें कि बोरुटो कावाकी लड़ रहे हैं ऑन द होकागे स्टैचू। उसके बाद तो स्टोरी कंटिन्यू चलती रहेगी और बीच बीच में हमें पास्ट के क्लिप्स भी दिखाए जाएंगे। तो ये बात हो गई कि क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे होने वाला है। तो पहले तो ये हो सकता है कि कोड, एडार, बाकी आलतू फालतू लोग जो भी हैं कारा में, वो सब पुनोहा इन्वेट करे इस फिराक से कि वो बोरुटो, कावाकी, सास्के, नारुतो को मार सके। लेकिन उनका प्लान बुरी तरह से चौपट हो जाए बिकॉज ऑफ दिस फोर ग्रेट 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 पीपल्स, नारुतो, सास्के, बोरुटो एंड कावाकी। और हैप्पी एंडिंग होने ही वाला होता है कि हमें टाइम स्किप का पहला मोड दिखाया जाए। और ये फ्यूचर क्लिप में जो कावाकी बोलता है कि मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा जहां मैंने लॉर्ड सेवेंथ को पहुंचाया था बोरुटो, तो यह हो सकता है कि नारुतो की डेथ बोरुटो मांगा में हो जाए। आई नो ये बड़ा सैड मोमेंट होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ये स्टोरी बोरुटो के ऊपर है ना कि नारुतो के ऊपर। तो गाइस इतना तक ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना है रिलेटेड टू नारुतो तो कमेंट में पूछ लेना, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार। पीस आउट।